एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मेरा दोबारा ट्रिप जो है जम्मू का ही है, तो अभी मैं जम्मू ही जाने वाला हूं और अभी ट्रक वगैरह मैंने स्टार्ट कर ली है। काफ़ी देर हो चुकी है, टाइम थोड़ा शॉर्ट था आज, थोड़ा सा पेपर वगैरह बनने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो बस अभी उसी की तैयारी में हूँ। ट्रक स्टार्ट मैंने कर लिया, बस अभी यहाँ से निकलता हूँ कंपनी से, क्योंकि 9 बजे तक यहाँ से निकलना है और अभी 8:50 हो चुके हैं, 10 मिनट हैं, 10 मिनट के अंदर मैंने कंपनी से बाहर निकल जाना है। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं निकल तो गया हूँ, रोड के ऊपर हूँ, लेकिन मैंने डीज़ल देखा, मेरा डीज़ल बिल्कुल रिज़र्व पे है और यहाँ से जो पेट्रोल पम्प है वो काफ़ी दूर है। अभी वही मैं सोच रहा था कि रास्ते में कोई पेट्रोल पम्प आ जाए तो मैं पेट्रोल डलवा लूँ, डीज़ल डलवा लूँ, क्योंकि अभी काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा मुझे डीज़ल के लिए। मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मैंने देखा तो डीज़ल नहीं है इसमें। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बादल आए हुए हैं, क्लाउडी वेदर है, धूप नहीं है, मौसम अच्छा है काफ़ी। जल्दी से देखता हूँ आगे कोई पेट्रोल पंप वगैरह है तो डीज़ल फिल करवा लूँ। आज तो शुरुआत से ही ट्रैफिक जाम है काफ़ी ज़्यादा, लाइनें लग गई यहीं से काफ़ी ज़्यादा। स्लो स्लो ही जाना पड़ेगा, स्पीड लिमिट स्पीड इतनी है, कभी 10 हो जाती है, कभी 20 हो जाती है, कभी 30 तक चले जाते हैं। ये मदीना रोड है, अभी यह है कि ट्रैफिक कम है काफ़ी और ये सामने रेलवे स्टेशन भी है। डीजल डलवा लिया मैंने बस अभी, तकरीबन टाइम तो हो गया 11:00, डीजल डलवा लिया बस अभी यहाँ से निकलते हैं आगे जम्मू के लिए। तकरीबन 250 किलोमीटर है आगे, और नहीं सॉरी 250 नहीं ज़्यादा है, 300 किलोमीटर जाना है अभी आगे हमने, और बस चलते हैं अभी, शुरुआत करते हैं यहाँ से निकलते हैं। बस मेन इशू डीज़ल का था, डीज़ल काफ़ी दूर जाके मुझे मिला है, बस मैंने दलवा लिया और अभी बस निकलते हैं आगे। अभी जो पहले डीज़ल था वो बिल्कुल रिज़र्व पे था माशाल्लाह, आधी टेंकी तो हो गई है, तो अब ये ईज़िली मैं इसमें वापस आ जाऊँगा, जम्मू जाके और जम्मू से वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह आराम से। अभी भी जो बाहर मौसम है वो क्लाउडी है काफ़ी ज़्यादा, कोई पता नहीं, शायद बारिश भी हो जाए, लेकिन बारिश का फोरकास्ट मैं तो नहीं बता रहे हैं बारिश होने का, लेकिन कुछ पता नहीं है, शायद बारिश भी हो ही जाए रास्ते में कहीं, आगे राबिक वगैरह में या जम्मू में कहीं बारिश हो भी जाए। चलें बस अब चलते हैं जल्दी से, नहीं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया। पहले भी डीज़ल के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती हैं तो डीज़ल डलवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे पहले बिल्कुल ही कोई ग्रीनरी वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब ये एरिया जो है यहाँ पे भी ना ग्रीनरी हो गई है काफ़ी, जब से बारिशें वगैरह हुई हैं घास वगैरह निकल रहा है इधर भी, इस एरिया में भी, नहीं पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। लोग कहते हैं जब से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो रेगिस्तान में भी जो है सारा ग्रीनरी हो गई है, सारे दूर दूर तक सारा घास घास नज़र आता है रेगिस्तान में भी। यहाँ पे मेन जो हाईवेज़ हैं
इन हाईवेज़ की दोनों साइडों पे बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैमल ऊंट वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जंगली ऊंट वगैरह, वो घास चरते चरते कोई पता नहीं होता एकदम रोड पे आ जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता कैमल को हिट कर दिया ऊंट पे, आपने एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता आपका हो गया ऊंट के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर हाईवेज पे दोनों साइडों पर जो हैं वो बाउंड्रीज लगी हुई हैं, ये तारे लगा के इन्होंने बंद किए हुए ताकि कोई वहाँ से कोई भी जानवर जो है मेन रोड की तरफ ना आए। और ये थोड़े से एरिया भी नहीं है, पूरे जब तक मतलब आप जम्बो हाईवे पे मदीना वाले रोड है इस पर आते ही हैं तो सारे एरिया में इसी तरह है। इस साइड पर आगे समंदर भी नज़र आ रहा है, काफ़ी दूर है लेकिन नज़र आता है यहाँ से भी समंदर। और इसी हाईवे पे आगे बदर शहर भी है, जहाँ पे जंगे बदर भी हुई थी वो शहर भी इधर ही आता है, जम्बो रोड पर, इसी अलमदीना रोड पर ही है, जम्बो से काफ़ी पहले है। अब तकरीबन बोर्ड पे लिखा हुआ है 159 किलोमीटर रह गए जम्बो। यहाँ पे रोड स्पीड के लिए कैमरास जो लगे हुए हैं, ये अभी एक कैमरा आने वाला है, नीचे बॉक्स पड़े हुए होते हैं, ये एक बॉक्स पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये कैमरा स्पीड के लिए बॉक्सेस हैं, अगर आपने 80 से ऊपर गए तो ये खुद ही फ्लैश करके आपके ऊपर फाइन आ जाएगा। जिस तरह की ये रेत के पहाड़ हैं, इसी तरह वो वाले भी रेत के ही पहाड़ थे, लेकिन उधर भी ग्रीनरी हो चुकी है, उधर जो पीछे मैं आपको दिखा रहा था जगह वहाँ पर, इसी तरह के वो भी रेत के ही पहाड़ हैं, लेकिन बारिशों की वजह से इनके ऊपर भी ग्रीनरी हो गई है। तेज़ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और सारी रेत तोड़ के रोड के ऊपर आ रही है, यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है, जिस वक्त तेज़ हवाएं चलती हैं तो रोड भी नज़र नहीं आता, बहुत सफ़र से जाना पड़ता है आगे। फिर कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था कि आगे कोई गाड़ी भी जा रही है कि नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा उस वक्त रेत तोड़ रही थी। निकल गया हूँ, अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, तकरीबन अभी 4:30 बज रहे हैं, और अभी पहले राबिक जाऊँगा, राबिक मगरब के टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, राबिक वहाँ जाकर बस खाना वगैरह खा के भूख भी लगी है बहुत, और उसके बाद फिर वापस जद्दा के लिए निकलेंगे, लेकिन देखूँगा उस वक्त तक कितने टाइम बचता है नो एंट्री का, उस हिसाब से फिर मैनेज करके निकलूँगा जद्दा के लिए इंशाल्लाह। और बस अभी तो तकरीबन 125 किलोमीटर रहता है अभी राबिक का रास्ता जो है, बस अभी चलता हूँ राबे के लिए चलते हैं इंशाल्लाह। पुलिस है बहुत ज़्यादा और चलान वगैरह कर रही है काफ़ी ज़्यादा, ओवरटेकिंग के ऊपर ख़ास तौर पे, अभी मेरे सामने भी एक गाड़ी का चलान किया है ओवरटेकिंग, वो कर रहा था तो उसका मुखालफा आ गया तकरीबन 3,000 रियाल का। बड़ी एहतियात करनी पड़ती है रास्ते में कि मुखालफे वगैरह से बचने के लिए ओवरटेकिंग ना की जाए किसी भी सूरत में, बस अपनी लाइन में ही चलते रहें तो बेहतर है, अगर बाद वक्त मौका मिल जाता है करने का, क्योंकि ऐसा होता है कि आगे जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं वो स्पीड उनकी नहीं होती है, 50-60 की स्पीड पे जा रही होती है, फिर मजबूरन ओवरटेक करना पड़ता है, लेकिन बहुत एहतियात से करना पड़ता है, शीशे वगैरह में देख के कोई गाड़ी ना आ रही हो ओवरटेक करते वक्त, ताकि कोई पुलिस की गाड़ी आपको रोक ना ले। ये बदर को रास्ता जाता है, मैंने आपको आते वक्त भी बताया था कि जब हम जम्बो जा रहे होते हैं जद्दा से, और रास्ते में बदर का भी रास्ता आता है, जो बदर शहर है वहाँ पे जाने का,
और ये इसका एग्जैक्ट है बदर जाने के लिए। अभी इधर आगे तो काम लगा हुआ है, शायद जो उसका रैंप है वो शायद बंद हो, लेकिन यहीं से बदर जाते हैं आगे। बदर जाने का रास्ता है, नहीं ये खुला हुआ है रैंप, आगे खुला हुआ है, जो टर्न है राइट साइड पे जा रहा है, रास्ता खुला हुआ है बदर जाने का। ये बोर्ड पे लिखा हुआ भी है बदर। आगे मदीना के लिए भी यहीं से रास्ता मदीना भी जाता है, और ये जो रोड है इसको मदीना रोड कहा जाता है, जिस पे भी मैं यहाँ से जद्दा जा रहा हूँ। मेरे जो लेफ़्ट साइड पे इस वक्त काफ़ी एक अच्छा सिलसिला चल रहा है पहाड़ों का, नज़र तो नहीं आएगा, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ से धूप इस वक्त निकल आई है, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है इस साइड पर। बस अभी राबिक में पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना वगैरह खाना है, और फिर 10 बजे तक इधर ही थोड़ा वेट करके फिर दोबारा निकल जाएंगे। ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, और इसके साथ ही इधर रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, यहीं पे खाना वगैरह खाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा तकरीबन 10 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, और मैं अभी तक जद्दा नहीं पहुँचा, ट्रैफिक जाम है, कोई शायद आगे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, काफ़ी देर से इधर स्टक हुए हैं हम लोग, और बहुत टाइम गुजर चुका है इधर ही खड़े में काफ़ी देर से इंतज़ार में कि लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या इशू क्या चल रहा है। 12 हो चुके हैं तकरीबन, ये देखें 11:45 11:50 हो गए हैं, लेकिन बाहर जो है अभी तक ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम होया हुआ। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, अभी तक जद्दा एंटर भी नहीं हुए, और वहाँ जब जद्दा एंटर होते हैं तकरीबन 101 किलोमीटर का रास्ता आगे बन जाता है जाने के लिए हमारा। अब थोड़ी सी ट्रैफिक चली है, देखते हैं, इसी तरह हो रहा है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती है फिर रुक जाती है। जद्दा तो एंटर हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये लुलू मॉल बना हुआ है इस साइड पर, राइट साइड पे जो है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बस स्पीड जो है वही 20 तक ही है, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, 12:30 हो चुके हैं। तो जी दोस्तों, बस मैं पहुँच गया हूँ इधर, अपने कैंप की तरफ पहुँच गया था, और अभी रूम की तरफ जाऊँगा, काफ़ी टाइम लग गया वापस आते आते, तकरीबन रूम में कैंप में पहुँचते पहुँचते मेरे तकरीबन 4 बज चुके हैं। बस इसी तरह की रूटीन चल रही है आजकल,
इंशाल्लाह आगे शायद बेहतर हो जाए, या तो फिर ऐसी ही चलती रहेगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक और नए ब्लॉग मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।